उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिजली कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इसके तहत अब यूपी समेत देश भर के 15 लाख बिजली कर्मी और इंजीनियर 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। बिजली कर्मियों का कहना है कि इस दौरान सभी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा और कोई भी फॉल्ट होने पर उसे 2 दिन बाद ही अटेंड किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 इसका प्रस्ताव सर्कुलेट किया है और अगर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 पारित हो जाता है संसद में तो विद्युत के आपूर्ति का निजीकरण हो जाएगा। विद्युत वितरण को 2 भागों में बांटा जा रहा है। उपभोक्ता के घर के सामने जो खंभा है वहां तक का काम वितरण कंपनियां करेंगी और उसके बाद का काम आपूर्ति कंपनियां करेंगी, तो बिजली महंगी हो जाएगी। कम से कम 10 रुपए से 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दाम हो जाएगा। तो यह जन विरोधी भी है, कर्मचारी विरोधी भी है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर पहली बार देश के इतिहास में 2 दिन काम बंद रखेंगे, 8 जनवरी को और 9 जनवरी को। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हैं। हमारी अन्य